चुनावी साल में विभिन्न मुद्दों को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न तरह की योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। जहां इसी कड़ी में कांग्रेस समर्थित लोगों द्वारा सम्यक अभियान संकल्प यात्रा आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के प्रणेता भास्कर राव रोकड़े और समन्वय शैलेंद्र श्रीवास्तव ने इंदौर के एमजी रोड से पत्रकार वार्ता कर बताया कि मध्य प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सम्मानजनक नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित एवं सरकार की दोषपूर्ण नीतियों में परिवर्तन हेतु यामहा अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विगत 30 जुलाई से आगामी 2 सितंबर 2023 तक समन्वयक अभियान संकल्प यात्रा का आयोजन होगा, जहां मध्य प्रदेश के सभी जिलों के इस अभियान के तहत सरकार की रीति नीति में आमजन को सभाओं के माध्यम से परिचित कराया जाएगा। प्रदेश के धार और सीहोर में इस अभियान के तहत सभाएं हो चुकी हैं, वहीं आगामी 12 अगस्त को इंदौर में इसको लेकर आम सभा होनी है, जिसके बारे में बताते हुए पत्रकार वार्ता में समन्वयक अभियान के प्रमुख लोगों ने कई तरह की जानकारी भी दी। दरअसल ये सम्यक अभियान जो है शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी से जोड़ने हेतु नॉन पॉलिटिकल अभियान के रूप में शुरू किया गया था और गत 22 मार्च 2023 को हमने सक्रिय राजनीति में प्रवेश का निर्णय लिया, जब लाखों युवा इससे जुड़ गए और युवाओं ने बोला कि जब तक राजनीतिक रूप से इस बात को नहीं रखा जाएगा तब तक इन मुद्दों का क्रियान्वयन कैसे होगा। अब जो इसमें मुद्दे सामने आए हैं वो मुद्दे ये हैं कि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु लगातार बढ़ने से युवाओं को अवसर नहीं मिल रहे हैं। यदि 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू कर दी जाती है तो 5,30,000 पद खाली होंगे और 5,30,000 युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर सृजित हो जाएंगे। दूसरी बात यह आती है कि निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को बहुत कम वेतन मिलता है और सरकारी वेतन बहुत ज़्यादा होता है। ये अंतर नहीं रहना चाहिए। जब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम मजदूरों के लिए बनाया गया है तो सभी शिक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम बनना चाहिए और ये सम्यक अभियान का मुद्दा है ताकि निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में एक समान वेतन की व्यवस्था हो जाए। तीसरी बात यह आती है आउटसोर्सिंग प्रणाली से 70% पदों पर शासकीय विभागों में नियुक्तियाँ दी जा चुकी है और प्राइवेट कंपनियों में तो 90% नियुक्तियाँ दी जाती है। ये शिक्षित बेरोजगार युवाओं के दलाली का मामला है और इसको पूर्णतः बंद करना चाहिए। जब इसको बंद कर देंगे तो सरकारी विभागों में 9,80,000 पदों पर भिन्न भिन्न क्षेत्र में जो नौकरियां दी गई है उनके स्थान पर नियमित नौकरियों की व्यवस्था होगी। इस प्रकार 15,10,000 युवाओं के लिए नौकरियां सृजित हो जाएगी। तीसरी बात यह आती है कि बीआर अंबेडकर ने जो शिक्षित जो कर्मचारियों के शोषण को देखते हुए 12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी अंग्रेजों के टाइम में हुआ करती थी उसको 8 घंटे में तब्दील करके रोजगार सृजित किया था और उनको सुविधाएं दी थी। इन्होंने पुनः उद्योगपतियों के दबाव में आकर उसको 12 घंटे कर दिया। इससे रोजगार के अवसर कम हो गए, नौकरियां कम हो गई, एक दिन में 3 शिफ्ट के स्थान पर 2 शिफ्ट हो गई। श्रम कानूनों में ऐसी ढील दे दी गई कि निजी क्षेत्र की कंपनियां कभी भी नौकरी में रखे और कभी भी निकाले ये आज़ादी मिल गई। इससे क्या हुआ, पुराने कर्मचारियों की जो वेतन बढ़ी हुई थी उनके स्थान पे नए कर्मचारी रखे गए और वो सस्ते में कर्मचारी रखे गए, नाजुन छटनी होने लगी। ये अभियान हमारा पहले भी अभियान निरंतर चलता रहा है लेकिन अभी 30 तारीख से अभी अभियान शुरू हुआ है। पहले गैर राजनीतिक अभियान चल रहा था, अब इस पर जब चर्चा हुई तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी से चर्चा हुई, हमने एक बात रखी थी सामने 22 मार्च 2023 को ये बात रखी थी कि जो भी राजनीतिक दल हमारे सारे मुद्दों के क्रियान्वयन के लिए सामने आएगा हम उस राजनीतिक दल के साथ चलेंगे। और हाल ही में कमलनाथ जी से हमारी बातचीत हुई, कमलनाथ जी ने बोला कि इन सारे मुद्दों का क्रियान्वयन हम करेंगे और युवाओं को न्याय दिलाएंगे। तब हम लोग ये अब अभियान जो चल रहा है ये कांग्रेस के बैनर तले चल रहा है। मेरा परिचय उस बैनर में आपके उसमें दिया हुआ है, भास्कर राव रोकड़े, सम्यक अभियान मेरे द्वारा चलाया जा रहा है।